हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विष्णु गाजिंग, वेलकम टू ऑल इन एडमिशन मीडिया। आज हम बात करेंगे बिहार स्टेट के बारे में कि बिहार ओपन स्टेट है, क्लोज स्टेट है, टोटल मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं, क्या अदर स्टेट्स के बच्चे यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, वो क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स रहेगा जिसपे बिहार के बच्चों को यानी कि 85% स्टेट कोटा के थ्रू उनको वहाँ की गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेजेस में इजीली एडमिशन्स मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही मैं बता दूं कि हर साल की तरह इस साल भी हमने अपने टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिए हैं रिगार्डिंग योर नीट एमबीबीएस काउंसलिंग। अगर आपने उसको भी ज्वाइन नहीं किया है तो जाके जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपके एनटी और स्टेट से स्टेट काउंसलिंग के रिलेटेड जितने भी अपडेट रहते हैं वहां पर हम टाइम पे टाइम पोस्ट करते रहते हैं। तो अब मैं बात करूं, अगर स्टार्ट तो बिहार के बारे में मैं बात करूं तो बिहार में टोटल 17 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनके अंदर आपके 11 गवर्नमेंट यानी कि 10 गवर्नमेंट है प्योर गवर्नमेंट एंड 1 आपके एम्स है और 6 आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं। सीट की अगर मैं बात करूं तो इन 11 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर मतलब एम्स को मिला के 1390 टोटल सीट है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर और 6 मेडिकल कॉलेज के अंदर 750 डेट इज 750 प्राइवेट सीट्स है यहाँ पे। और बिहार के अंदर टोटल जो सीट्स है वो है 2140 डेट इज 2140 टोटल सीट्स है। अब अगर मैं बात करूँ आपसे ये 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो यहाँ की फीस अब अगर आप देखोगे तो ये 60,000 के आसपास है पर ईयर फीस है इनकी। अब वो क्या मार्क्स रहेगा जिसपे इस ईयर यहाँ के बच्चों को इजी एडमिशन मिल जाएंगे, मतलब की 85% कोटा के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो तो चांसेस बनेंगे। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये एक एक्सपेक्टेड डेटा है हमारी टीम की तरफ से। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके मार्क्स समवेयर 590 प्लस आ रहे हैं तो आपको इजीली चांसेस बनेंगे कि बिहार की गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाए। फॉर ईडब्ल्यूएस द मिनिमम शुड बी 560 प्लस, फॉर बीसी 580 प्लस, फॉर एससी 450 प्लस, एसटी कैटेगरी के लिए 480 प्लस, फॉर डी क्यू कोटा द मिनिमम मार्क्स शुड बी 155 प्लस, और फिर आरसीजी जो कि गर्ल्स के लिए कैटेगरी है उसके लिए 570 प्लस अगर आप करते हो तो आपको इजीली यहां पे एडमिशन मिलने के चांसेस बनेंगे। वहीं पर मैं बात करूं अगर 10 गवर्नमेंट कॉलेज से तो इसमें से एक कॉलेज मतलब 9 कॉलेजेस की फीस तो 60,000 रुपीज, वहीं पे एक IGIMS जो कॉलेज है तो उसकी फीस आपकी 81,000 रहने वाली है। एक आपका एम्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ के जो 6 प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात करूं और उनकी फीस क्या होगी उसकी मैं बात करूं तो लॉर्ड बुद्धा 12 लाख रुपीज, मधुबनी 13.5 लाख रुपीज, माता गौरी 8 लाख रुपीज, कटिहार मेडिकल कॉलेज 7.5 लाख, नारायणा 8 लाख एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस 15.5 लाख। ये तो बात रही बिहार के प्राइवेट कॉलेजेस में। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि यूपी और बिहार के प्राइवेट कॉलेजेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि इनके ऑलमोस्ट फीस भी सेम है। जो सबसे बड़ी चीज इन दोनों स्टेट्स के काउंसलिंग में कॉमन है कि यहाँ की जो आपकी प्राइवेट सीट्स है वो 100% ओपन है अदर स्टेट्स के बच्चों के लिए भी, तो आप मान के चलो। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट की तो वो है नहीं, बट ये कंडीशनल है एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको ये चीजें बताई जाती हैं। ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग रूल है, वो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन बताई जाएगी, उसके बाद ही आप एडमिशन लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस स्टेट के बारे में कि अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो लाइक महाराष्ट्र या किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इस स्टेट में भी जरूर ट्राई करें क्योंकि 100% ओपन है। महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेजेस में फीस की बात करूं तो वो समय 10-12 लाख रुपीज है, बट इस स्टेट की फीस जो है वो 8 से 10 लाख के एवरेज में है। तो अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हो किसी और स्टेट से और आपको हाईर फीस मिल रही है अपने स्टेट में तो आप बिहार या यूपी में भी अप्लाई करके अच्छे से अच्छे कॉलेज में कम फीस पे स्टडीज कर सकते हो। इन चीजों के डिटेल्स के लिए आप हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हमारे नंबर आपको नीचे दिख रहे होंगे या आप हमारी वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, www.admissionmedia.in पे जाकर डायरेक्टली आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और फैक्ट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।